स्पिनच, कितना स्वीट नाम है ना, खाने में भी ये एकदम यमी है। तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? अगर हाँ तो फौरन देखिए देसी शेफ, जहां मैं मरियम आपको सिखा रही हूँ स्वीट स्पिनच बनाना, जो कि एक बहुत ही यमी चाइनीज डिश है। तो जल्दी से नोट कीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। पालक के पत्ते, तलने के लिए तेल, एक बड़ा चम्मच तिल का तेल, एक छोटा चम्मच दरदरी कुटी लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच तिल सिके हुए। सबसे पहले स्वीट स्पिनच बनाने के लिए हमें कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और फिर उसमें लंबी पतली पत्तियों में कटा हुआ पालक डालेंगे और फिर उसको तल लेंगे। जब ये तल जाएगा तो हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम एक दूसरी कढ़ाई में तिल का तेल गरम करेंगे और फिर उसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें फौरन तली हुई पालक डाल देंगे, इसमें नमक, शक्कर और सिके हुए तिल डालकर इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। याद रखें, ऊपर से नीचे करते हुए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। स्वीट स्पिनच तो एकदम तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान रखने के लिए बता देती हूँ कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं तो जब आप तेल में स्पिनच को डालेंगे तो आप पहले थोड़ा सा स्पिनच डालिएगा ताकि तेल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ताकि आपके बाकी का स्पिनच जो आप डालने वाले हैं वो जले ना। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और फिर ये रेसिपी एंजॉय करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।